ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आई हैं, जहां बेलगाम युवाओं ने रंगों के पावन त्यौहार होली को शर्मसार कर दिया। जहां होली लोगों के बीच प्यार बढ़ाने का संदेश देता है, वहीं इन युवाओं की हरकत की वजह से सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता था। दरअसल सोशल मीडिया पर बिजनौर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ दो मुस्लिम महिलाओं को जबरन रंग लगाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दो मुस्लिम महिलाएं बाइक से अपने घर जा रही थी। इस दौरान बाजार में लोग होली खेल रहे थे, लेकिन महिलाओं के मना करने के बावजूद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रंग लगा दिया। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको पूरा मामला समझाते हैं। आपको बता दें, वायरल वीडियो बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक आदमी बाइक चला रहा था और दो मुस्लिम महिला पीछे बैठी हुई थी। जबरन रंग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान वायरल वीडियो में एक युवक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यह मेन बाजार है और यहाँ पर हर साल पिछले 70 साल से ऐसे ही होली खेली जाती है, आपको नहीं आना था। लेकिन वहां मौजूद होली खेलने वाले युवक नहीं मानते हैं और बाइक पर बैठी दोनों मुस्लिम महिलाओं को भी रंग लगाते हैं और पानी फेंकते हैं। कुछ देर बहस के बाद युवक महिलाओं के साथ मोटरसाइकिल से आगे चला जाता है। जब वो जाता है, उस दौरान भी उस पर रंग और पानी फेंका जाता है। वीडियो में दिख रहा है कि बाइक पर बैठा युवक वहां मौजूद लोगों से रंग न लगाने की अपील कर रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। वायरल वीडियो के मुताबिक वहां मौजूद लोगों ने रंग लगाने के बाद हर हर महादेव के नारे भी लगाए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य नाबालिग आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं बिजनौर पुलिस के अधीक्षक ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। आज सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे एक वीडियो का बिजनौर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग, एक फैमिली जो कि मोटरसाइकिल पे जा रही थी, उसको जबरन रोक के उसको हैरास कर रहे हैं, उस पर जबरन रंग डाल रहे हैं। इन व्यक्तियों को बिजनौर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से। CO धामपुर को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित फैमिली से व्यक्तिगत बात कर उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज कराएं तथा अपने पर्सनल सुपरविजन में समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न कराएं। बिजनौर पुलिस सभी से अनुरोध करती है कि होली एक पवित्र त्यौहार है, इस त्यौहार के अवसर पर किसी को भी परेशान न करें, हैरास न करें तथा किसी पर भी जबरन रंग न डालें। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध बिजनौर पुलिस कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। इस घटना ने होली जैसे पावन त्यौहार को भी शर्मसार कर दिया है। आप होली मनाइए, लेकिन इस तरह की शरारत करना न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी अपराध है। किसी की मर्जी के खिलाफ रंग लगाना और उसके साथ ऐसी हरकत करने की कानून इजाजत नहीं देता है। और अगर इस घटना से सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।